बच्चे हैं जो जिनके आम से एक के दोनों बाजू कट गए, एक का एक बाजू कटा है, और इनको आज यहाँ पे ये डेमोंस्ट्रेशन कर रहे थे और ये इन्होंने कोशिश की अपनी खुद जान लेने की, खुद सोजी के उसमें आए थे यहाँ पे ये, लेकिन अंदर हमने बिठा के इनका एक डिमांड नोट, डिमांड कह लें, हमने डिमांड जो इनकी थी वो हमने यहाँ जमा कराई है, और इन्होंने हमसे ये वादा किया है कि 2 तारीख को इनकी मीटिंग है बोर्ड की, उसके बाद ये 3 तारीख को हमें बताएंगे कि इनकी डिमांड्स कितनी कबूल हुई है कितनी नहीं। इनका इलाज यहाँ से जारी है, इनकी कोशिश की जा रही है कि इनके हाथ बाजू जो हैं वो जो बायोनिक बाजू इन्वेंट हुए हैं दुनिया में वो उस तक पहुँचाया जाए किसी सूरत, इनके मसल्स डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। मीनवाइल कोशिश ये है कि इस दौरान अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई ऐसी चीज़ आती है जिससे इनको तकलीफ है, जाहिर है कि ये माजूर हो चुके हैं और वो किसी एक बड़ी गलती की वजह से माजूरियत हुई है, वो कोई इनकी अपनी गलती नहीं थी। ये ऊपर हाई टेंशन वायर पे काम कर रही थी जो आपके पीछे लगी है, उसके ऊपर पीछे से बिजली खोल दी गई और ये इनको माजूरी का सामना करना पड़ा, जो शायद ज़िंदगी भर इनका साथ रहे, और वो बाजू तो वापस नहीं आ सकेंगे, लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है कि जो डिमांड जमा कराई है उन डिमांड्स पर अमल हो, मनवान अमल हो, और इनको इसी तरह से फारिग किया जाए कि इनको सिक्योरिटी दी जाए, इनको जॉब्स परमानेंट दी जाएँ, इनको और मजीद ऐसी मराज जो मुमकिन है वो हो सकें। डिमांड जो है, जो हमने डिमांड दी हैं वो 4 डिमांड्स हैं, लेकिन उस डिमांड को हमने इनसे एक मुहिदा ये किया है कि हम डिमांड्स को अभी पब्लिक नहीं करेंगे जब तक ये हमें 3 तारीख को हाँ या ना का जवाब अपने CEO से या जो भी इनका बोर्ड है उससे पूछ कर ना दें। अच्छा फैसल वावड़ा साहब, आपसे सवाल है, नौजवान ने बताया था कि जब ये आपका पेश आया तो आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इसे कुछ अमाउंट भी मिलवाया था, ऐसी क्या वजह है कि ये इस इकदाम पर अपनी फैमिली के साथ खुद सोजी करने में मजबूर हो गया, और इसके ऊपर अब आपने क्या किया है, और आप क्योंकि सबसे आखिर में आए थे इसलिए पूछा जा रहा हूँ। देखिए जी, जब इसका हादसा हुआ था तो मैं एक टॉक शो पे था, जब मुझे इत्तला आई, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप लोगों ने साथ दिया, और उसके बाद के इलेक्ट्रिक के मुलाजमीन ने, बड़ा जो डायरेक्टर थे एक ने तो नहीं तावन किया, लेकिन बाकी मैनेजमेंट ने मेरे साथ अर्शद का बड़ा तावन किया, उन्होंने इसका इलाज उस टाइम पर करवाया, उसके बाद इसकी जॉब परमानेंट का अब हम प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन इसकी तनख्वाह जारी रखी गई। आज इरफान जो है उसकी बीवी का मसला था, वो भी इन्होंने आज रिजॉल्व कर दिया है कि उसकी बीवी का भी इलाज होगा, और जो हमने डिमांड रखी हैं उस डिमांड्स का रीज़न ये है कि देखिए, अगर के इलेक्ट्रिक या ये इदारा हमारे साथ कॉपरेट करे अरशद के साथ, तो अरशद भी कॉपरेट करेगा, और उसका सलूशन ये हो कि इसका इलाज भी हो, इसकी बाकी ज़रूरियात जितनी भी पॉसिबल हैं इरफान की और अरशद की वो सब पूरी हों, और उस पर हम गामजन हैं, और हमारे साथ तावन दोनों तरफ से है, अरशद तो भाई है, इरफान बच्चों की तरह है हमारे, और इस चीज़ को जब उठा के मंत्री इंतजाम तक हमने पहुँचाना है, और अभी तक काफ़ी चीज़ें सेंसिबली चल रही हैं, छोटी मोटी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, इमोशनल है, यंग है, अभी वालदा का इंतकाल हुआ है, इसकी परेशानियों से गुजर रहा है, बहुत बड़ा हादसा इसकी ज़िंदगी में हुआ है, उसके बाद कुछ लोग हैं, कुछ इसके इलाके के लोग होंगे, छोटे यंगस्टर्स होंगे, जिसकी वजह से ये जज्बाती हुआ था, नेचुरली का बच्चा जो सारा दिन काम करने वाला था, उछल कूद करने वाला था, दीवारों और लैडर्स पर चढ़ने वाला आदमी था, वो अब एक मफलूज हो गया एक जगह से, लेकिन इसकी मफलूजी और अपाहिजगी हम नहीं लेके जा रहे, ना हम किसी को बताना चाहते कि ये बेचारा है, ये अरशद था, ये अरशद है, अरशद रहेगा, इरफान था, है और रहेगा, और इसको ट्रैक पर रखेंगे बगैर हाथ के, अपने मस्तूरी हाथों के साथ, अपनी चीज़ों के साथ ये आगे बढ़ेगा, उसी तरह रिस्पेक्टेबल जिंदगी गुजारेगा जिस तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं, और यही हमारा मकसद होना चाहिए। इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, देखें ये एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ कराची इलेक्ट्रिक को, ये नौयत नहीं आनी चाहिए थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पे कराची इलेक्ट्रिक के बाहर आके 2.5 से 3 घंटा आके इनके साथ नेगोशिएट करे। ये लड़का जो खड़ा हुआ है अरशद, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिल्कुल कारकुन है, लेकिन जो दूसरा लड़का यहाँ पे मौजूद है जिसका नाम इरफान मोहम्मद शेख है, वो हमारे पार्टी का कोई कारकुन नहीं, वो पिछले 10-11 महीने से यहाँ पे धक्के खा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दोनों बच्चों की आवाज़ बनी है, आगे भी बनती रहेगी, लेकिन ये कराची इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है कि अगर किसी बच्चे के साथ, किसी लड़के के साथ अगर ऐसा वाकया हो जाता है, चाहे वो कराची इलेक्ट्रिक के कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू क्यों ना हो, ये कराची इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है कि उनको पूरा करे। हम ये बात किसी हालत के अंदर सुनने को तैयार नहीं है कि कराची इलेक्ट्रिक हमको ये बताए कि ये लड़के हमारे नहीं थे, ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू थे। ये सारी जिम्मेदारियाँ कराची इलेक्ट्रिक की हैं, किस तरीके से पूरे कराची को लूटा जा रहा है, किस तरीके से पूरे कराची से पैसे बटोरे जा रहे हैं, ये हम सब जानते हैं, उसके लिए हम आवाज़ भी उठा रहे हैं सिंध असेंबली में। लिहाजा हम चाहते हैं कि ना इंसाफी
पाकिस्तान के किसी शहरी के साथ नहीं होनी चाहिए, कराची के किसी लड़के के साथ इस तरह जुल्म नहीं होना चाहिए जैसे इसके साथ हो रहा है। 3 तारीख हमको दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि 3 तारीख को ये बताएंगे कि जो डिमांड अरशद ने और इरफान ने जो कराची इलेक्ट्रिक को दी हैं ये वो पूरी करेंगे या नहीं करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो हम ये पूरा राइट रखते हैं इस पुरअमन एहतजाज के अंदर, हम अरशद और इरफान के साथ यहीं पर बैठे होंगे। फिर सिंध पुलिस को जितनी भी पुलिस भेजनी है वो उनकी मर्जी है, फैसला फिर उनको करना होगा। मैं उसके साथ साथ गुजारिश करता हूँ चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब से कि वो इस चीज़ का नोटिस लें, अरशद का और इरफान के दोनों का केसेस का नोटिस लें, और उसके साथ साथ वजीर आजम साहब भी नोटिस लें, क्योंकि सिंध असेंबली के अंदर मुराद अली शाह साहब ये कहते हैं कि कराची इलेक्ट्रिक जो है वो वफाक का चैप्टर है, तो अगर CM साहब इसका नोटिस नहीं ले सकते हैं तो वफाक भी फिर इसका नोटिस लें। ठीक है, मैं कराची की आवाम को और बिलखसूस मैं एक महाजिर तबके से ताल्लुक रखता हूँ जिसको महाजिर की हमारे पे मोहर लगा दी गई है, और इरफान चले मैं तो मानता हूँ कि मैं कारकुन हूँ, इरफान हमारी तंजीम से किसी भी लिंक से वाबस्ता नहीं है। मैं महाजिरों का ये कॉन्सेप्ट ख़त्म करना चाहता हूँ कि आज जो मेरे साथ हुआ उस बात से मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, मेरी क़यादत यहाँ खड़ी है, और जो कुछ मेरे लिए इमरान खान साहब ने, फैसल वाडा साहब ने, खुर्रम भाई ने, इमरान इस्माइल साहब ने, अली जैदी साहब ने, नईमुल्लाह साहब ने, जिन जिन ने करा, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी एक कौमियत की जुबान बोलने वाली की जमात नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली की बात करती है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली का नारा लगाती है, तो उस तब्दीली का सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत मैं, और मैं तो चले कारकुन मानता हूँ अपने आप को, लेकिन एक मुंह बोलता सबूत इरफान शेख यहाँ खड़ा हुआ है कि जो कि किसी का दूर दूर तक इस तंजीम से उसका कोई वाबस्तगी नहीं थी, लेकिन आज तंजीम उसके लिए भी खड़ी है। जब ये तंजीम हम जैसे गरीबों की आवाज़ बन के उठ सकती है तो क्या ये नया पाकिस्तान नहीं बना सकती? और इसी के साथ साथ मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने लीडर का जो मैसेज है कि आप 2 तारीख को मेरे चेयरमैन के लिए निकले, और खुदा रहा वो गरीब की आवाज़ उठाता है, आप उसके साथ उसकी आवाज़ इरफान से भी बात कर लें, इरफान से बात कर लीजिए। पिछले दिसंबर से यहाँ पे फैसल वाजा साहब इन लोगों ने बात की है और मेरे हक में बात की है। मैं 10 महीने से यहाँ परेशान हूँ, ख्वाब होता था पर कोई मेरी आवाज़ नहीं बनना था, इन्होंने यहाँ आके खड़े होकर मेरे साथ दिया और मेरी आवाज़ बने। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू।